जम्मू काश्मीर पुणी सक्रिय हो उठिछन्ति कुख्यात आतंकी। अल्प संख्यक राजनेता और सेना को टार्गेट कर जणक पर जणक हत्या करने पर एवं प्रवासी को टार्गेट करछन्ति आतंकवादी। घटना पर जम्मू काश्मीर वर्तमान भयर वातावरण खेली। आतंकी को खोजी खोजी मारुछि सेना। एबे सुधा 700 जन को हाजत को नहीं जेरा करा जाउछि। 9 दिन रे 13 जन आतंकी को एनकाउंटर कलानी सेना। सेहिपरि 16 दिन रे 11 जन को हत्या करछन्ति आतंकवादी। पाकिस्तान रो सक्रिय आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा द्वारा परिचालित युनाइटेड लिबरेशन फ्रंट बा यूएलएफ कश्मीर रहुथबा बाहर राज्य लोकंकु एबे चेतावनी दिछि। प्रवासी को तुरंत कश्मीर छाड़ धमक दे आतंकी संगठन। जदि से कश्मीर न छाड़े तेल से आक्रमण आतंकी संगठन बारंबार भयभीत कराउ। रविवार दुईज श्रमिकों हत्या करने कुलगाम भयर वातावरण खेली। सेपटे जम्मू कश्मीर रेल स्टेशन में बहु संख्यक प्रवासी श्रमिक राज्य छाड़ भिड़ जमाई। जम्मू कश्मीर आईजी विजय कुमार उपत्यकारे रहुथिबा समस्त प्रवासी श्रमिकों सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी करिबाकू पुलिस अधिकारी को निर्देश देछन्ति। अण कश्मीर प्रवासी को थाना अर्धसामरिक और आर्मी प्रतिष्ठान गुड़िकर थैथान पर कहुछ। बिहार दुईज श्रमिकों हत्या पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा फोन में कथा चिंता प्रकाश कर। जम्मू कश्मीर वर्तमान तीनोटी नुआ आतंकी संगठन सक्रिय हो उठिछन्ति। यूएलएफ हरकत 313 और द रेजिमेंट भली संगठन ना सामना पासछि। जम्मू कश्मीर आतंकी उपद्रव बढ़ुवा बेले एठाकार स्थिति उपरे कड़ा नजर रखिछि गृह मंत्रालय। सूत्र अनुसार अक्टोबर 23 रे कश्मीर जिबे गृहमंत्री अमित शाह। एठारे पहुंची जम्मू पुलिस सेना उपराज्यपाल मनोज सिन्हा गृहमंत्री बैठक करेंगे। पड़ोसी बांग्लादेश में चलता सांप्रदायिक हिंसाकांड बढ़ाक लगी। रविवार राति बांग्लादेश रंगपुर जिलार रामनाथपुर माझीपाली अंचल दंगाकारी हिंदू लोकों घरे निया लगवा देखा मिली। पखापाखि 100 रु अधिक घरे निया लगता बेले बहु घर जलीपोड़ पाउंश हो। पुणी रक्त भिजिला उत्तर दिनापुर इटाहार। बीजेपी युवनेता मिथुन घोष को गुड़ कर हत्या करने पर दुर्बृत्त घटनास्थल फेरार हो। हत्या पछे टीएमसी हाथ अभियोग बीजेपी। बांग्लादेश हिंदू उपर आक्रमण घटना पर पश्चिमबंग सीमावर्ती इलाक हाई अलर्ट जारी कर। बांग्लादेश को लग रही जिलागुड़िक सुरक्षा व्यवस्था वृद्धि कड़ा नजर रखी। बन्या विपात रे थरहर केरल राज्य। गत तीन दिन हेब राज्य स्थिति सांघातिक हो पड़ा बेले आगक बढ़िपे दुर्दशा। राज्यर 10 ड्यम्रे वर्षा पा उबुटुब हो खूब शीघ्र गेट खोल। उद्धारकारी दल पा फसी रही लोकों उद्धार करपटे सेना रिलिफ बंटन जारी रखी। किसी स्थान में आज भी अरेंज वार्निंग जारी करल वर्षा पर मोट 35 जन सुधा मृत्यु होभिन्न स्थान में भूस्खलन दुर्दशा को द्विगुणित कर। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामलें गिरफ 8 जन अभियुक्त काउंसिलिंग। आर्यन खान समेत अन्य अभियुक्तों काउंसिलिंग एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वांगड़े उपस्थित थे। मामलार आगामी शुणी अक्टोबर 20 तारीख में करेंगे कोर्ट। कोर्ट परिसर में आखिबुझा गुड़माड़े वकिलों मृत्यु। उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर जिले कोर्ट में घटी अघटना। हत्यार शिकार होता वकिलों नाम भूपेन्द्र सिंह। घटनास्थल किसी हथियार और गुड़ जबत हो पूरा इलाक व्यापक पुलिस फोर्स मुतयन कर। भारत उपरे क्रूर दृष्टि पकाइले एबे पानी पाइब चीन। एलएसी बारंबार भारत और चीन सेना मुहांमु घटन जवान अनेक थर पथर और लाठीमाड़ हो। आगक एभली हिंसक स्थितर मुकबिला एणिकी भारतीय जवान स्वदेशी कौशल निर्मित हथियार त्रिशूल और ब्रज्र। भारतीय सेनार शक्ति वृद्धि एवं धूली चटब ड्रागन। खूब शीघ्र एलएसी अत्याधुनिक अस्त्रशस्त्र मुतयन हो। उत्तर प्रदेश में एक स्टार्टअप कंपनी द्वारा यह हथियार गुड़िक निर्माण और विकसित कर। खूब शीघ्र यह सेनारे सामिल हो। गलवान घाटी संघर्ष में एभली कि कम घातक अस्त्रशस्त्र विकसित सेना पक्षर स्टार्टअप कंपनी मुख्य मोहित कुमार। टीजर बंधुक और सामान्य मारात्मक हथियार एवं चीन को जवाब देवाई पूरा प्रस्तुत रही। निर्माण होता हथियार भितर रही बुलेट प्रूफ ग्लोवस विद्युत ग्लोवस कंटार छाउणी सामान्य घातक हथियार जहां छोट युद्ध बा मेली समय शत्रु कबल भारतीय जवान को रक्षा करम।
उत्तराखंड में आज चलित बर्षर प्रथम तुषारपात हो गंगोत्री में आज सका प्रबल बरफपात हो सबुठ देखा मिली बरफर मोटा आस्तरण। उत्तराखंड में आरंभ हो लगाण वर्षा राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा सांग को भूस्खलन घटना पुणि मुंडबिंधार कारण होपटे चारिधाम आरंभ हो चिंतार पड़ी प्रशासन सतर्कता सह यात्रा करने को श्रद्धालु को अपील करते उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में आगामी तीन दिन पर्यंत प्रबल अति प्रबल वर्षा होने संभावना केन्द्र पाणिपाग विभाग तेणु समस्त स्थितर मुकबिला स्थानीय प्रशासन को सजग रहा कह। दिल्ली समेत उत्तर भारत अनेक राज्य में छेचुची वर्षा गाजियाबाद एनसीआर समेत अनेक सहर में गतकाल चली लगाण वर्षा। उत्तर प्रदेश में किछि घंटार वर्षा और आकस्मिक बन्या उजुड़ी चाषी संसार ये होउछि केरलर दृश्य हठात होइतिबा वर्षा विपात रे हजार हजार हेक्टर जमि रे फसल रे पानी पशिछि। दीर्घदिन पर आज संपूर्ण क्षमता सह उड़ा घर विमान कोरोना पर प्रथम 50% यात्री पर 65 और तापर 85% यात्री को नहीं घर विमान जातायात करुला तेज संक्रमण ह्रास पाइबा पूर्ण क्षमता सह उड़ी घर विमान। देश में कमुच कोरोना संक्रमण 230 दिन पर आज देश में सर्वनिम्न संक्रमित चिन्हट हो गत 24 घंटार 13596 जन पजिट चिन्हट होगा 166 जन मृत्यु हो। देश में आज सुधा मोट संक्रमितों संख्या 3,40,00,000 टपिता बेले मृतकों संख्या 4,52,000 उपरे रही। देश में संक्रमितों सुस्थों संख्या यथेष अधिक रही। देश में जोरदार चली टीकाकरण कार्यक्रम आज सुधा 98 कोटी डोज दी सूचना देखते केन्द्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविय खूब शीघ्र देश में 100 कोटी डोज टीका सफलता सह पूरा स्वास्थ्यमंत्री। बारंबार समन पठाजा सत्वे ईडी सम्मुखें हाजर होना अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस 200 कोटी टंकार मनी लॉन्ड्रिंग मामलें जेरा आज को मिशाई 4 थर समन पठाई। नुआ दिल्ली में आयोजित तो होई नावाल कमांडर कॉन्फ्रेंस प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम में जोगद। पुणे मुंबई एक्सप्रेस हाइवे रे बड़ धरणर सड़क दुर्घटना कुकुड़ा बोझे गाड़ी और ट्रक मजे एक यात्रीवाही कार चापी हेबा फलरे घटनास्थल रे 6 जनक मृत्यु हो। दरदाम वृद्धि विरोध में आज उत्तर प्रदेश में जोरदार विरोध कर समाजवादी पार्टी तेल घर गैस सिलिंडर दरदाम वृद्धि में सपा विधायक माने प्रदर्शन कर। आज आरंभ हो उत्तर प्रदेश विधानसभा स्वतंत्र अधिवेशन तेज अधिवेशन को वर्जन कांग्रेस लखीमपुर खेरी हिंसा मामला को विरोध कर विधानसभा बाहर प्रदर्शन कांग्रेस। गुजरात में आज सका भयावह अग्निकाण्ड घटी खड़दौरा इलाकर एक पैकेजिंग फैक्ट्री में अग्निकाण्ड होगा फल लक्षाधिक टंकार क्षयति हो घटन एवं सुधा 2 जनों मृत्यु और 10 अधिक लोक गुरुतर आहत होती उच्च अट्टाड़िका भितर फसी लोकों क्रेन साहय्य उद्धार कर। संयुक्त किसान मोर्चार देशव्यापी 6 घंटिया रेलरोको कर दिन 10 आरंभ होता रेलरोक दिन 4 पर्यंत चलता। उत्तर प्रदेश लखीमपुर खेरी में कृषकों गाड़ी चढ़ाई हत्या केन्द्र गृहराष्ट्रमंत्री को बहिष्कार और कृषक विरोधी तीन कला आईन को प्रत्याहार दाबी रेलरोक। देशर विभिन्न स्थान में चाषी संगठन पक्ष ट्रेन को अटक आंदोलन को कांग्रेस समेत वाम दल समर्थन करते।